महाराज। मैं प्रसन्न हूँ। ये अपना सारा दूध, दही, घी, माखन और अपना सब कुछ तुम्हें देने का वचन दे चुके हैं। महाराज, अगली बार की अग्रिम धनराशि मिल जाती अग्रिम तो? अग्रिम धनराशि? तुमने इन्हें अग्रिम धनराशि नहीं दी क्या परमानंद? दी थी, वो इस बार की थी। अगली बार की? इस बार, उस बार, कितनी बार? वो अग्रिम धनराशि अवश्य थी और आंशिक नहीं, पूरा भुगतान था वो। अब तुम सबको बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मथुरा आना होगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? यही तो तय हुआ था हमारे बीच, और आप लोगों ने तो नारायण को साक्षी मानकर शपथ भी ली थी। नहीं नहीं महाराज, ये तो असत्य है। व्यापारी जी सही बात ना बता रहे हैं। महाराज आप स्वयं विचार करो, जीवन भर के दूध, दही, घी, माखन का मूल्य तो कम कैसे हो सकता है भला? ये तो नारायण की शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था। महाराज, महाराज ये अन्याय है महाराज। इतना दुस्साहस! मेरे ही महल में, पूरी राज्यसभा के सामने मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो कर्पण करने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नारायण को भूख खाने तो दो। पर तुम तो नारायण नहीं हो। लल्ला, लल्ला जी तूने क्या करो? क्षमा कीजिएगा महाराज। भूल मेरी है महाराज। बात यह है कि जब से इसे पता चलो कि आज एकादशी है, तब से जब नारियल के लड्डू मांग रहा था, वो समय के अभाव के कारण मैं ना दे पाई। मैं दूसरे नारियल और गुड़ ले आती हूँ। इतना भी अपने मन को ना रोक सकता ना लल्ला? कही थी ना महाराज के जाने के बाद बना दूंगी लड्डू। जानकी, शीघ्र दूसरा नारियल कस के ले आ और गुड़ भी। ठीक है, जब कोई घर में आतो है तो ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? मैंने क्या करूं मैया? मैंने क्या करूं मैया? इससे तो बड़ा सयाना बनतो है हा? और आज कभी महाराज के हाथ में लोटा दे रो है, कभी इतने बड़े ब्राह्मण देवता को ज्ञान दे रहे हैं, और अब भोग का लड्डू भी खा गए। चुपचाप यहाँ सांधी से बैठ जा और हिलियो मती। कोई बुलाए तो भी रह जाओ। कोई बुलाए तो वो अन्य बात है लल्ला, उससे पहले हिलियो भी मती। हाँ नहीं तो भाभी जेली। जानकी ध्यान रखियो जी, जाए ना यहाँ से। ओ मैया की पहरेदार, ऐसे क्या देख रही हो? तुझे ही देख रही हूँ। पहले सतानी करतो है और फिर ऐसे सीधा बनतो है, ऐसे कछु किया ही ना हो तूने। सीधा ही तो हूँ मैं। अच्छा, सब पता है मुझे तेरी चलाकी। बातों में फंसा कर यहाँ से निकल जाना चाहते है ना? नाना, मैं अपनी मैया का आज्ञाकार हूँ। जब तक कोई बुलाए को ना, यहीं बैठे रहूंगो। चाहे लड्डू खाने का कितना भी मन क्यों ना करे। विलंब के लिए क्षमा प्रभु, ये बालक अबोध है, बातें बड़ी बड़ी करता है परंतु नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब
पधारिये प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, पधारिये प्रभु, पधारिये, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। जानकी तुम्हें सुनना, वो मुझे बुला रहे हैं। कोई ना बुला रहे हुए, चुपचाप बैठे रहे, ना तो तेरी मैया मुझे डांटेंगी। पधारिये प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। मैया ने कही थी कोई बुलाए तो जा सकते हूँ, और महाराज केवल बुला रही ना रहे बल्कि भोग ग्रहण करने की विनती भी कर रहे हैं। पधारिये प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। वैसे एक बात कहूँ, हाँ, तुम्हारे घर का माखन बहुत स्वादिष्ट था। तो तू स्वीकार कर रहे हुए कि तू मेरे घर चोरी करने आया था? हाँ। यशोदा भाभी, देखो इसने मान लियो कि जो चोरी करने आया था। देखा को? अरे, हे नारायण, इसने तो फंसा दिया मुझे। भोग चढ़ाते तो भगवान को ठीक से खाने के समय क्यों नहीं देते? तो अब इतनी संग्रह रखना भी कठिन होगा। बड़ा शरारती बालक है ये, फिर आ गया नारायण की इच्छा से। मैं तो आपकी इच्छा से आई हूँ। अब जब बुलाते हो महाराज तो थोड़ा समय दिया करो भोग ग्रहण करने के लिए। मैंने तुम्हें कब बुलाया? अभी तो पुकार लगाई थी, आओ भोग ग्रहण करो। अविश्वसनीय, कैसा मूर्ख बालक है ये। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नारायण हो? जब भीतर कैसे आए हो? उठ 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 लल्ला। आ मैया, मैंने मना किया था ना वहां से उठने को। पर मैया अभी ने तो कही थी कोई बुलाए तो जा सकता हूँ मैं। मैं इनके बुलाने पे ही यहाँ आई हूँ। पर मैंने तो श्री नारायण का आवाहन किया था। मैया कहती है छोटे बालक श्री नारायण का रूप होते हैं। कान्हा, आज तो अति कर दी तूने। महाराज का अनुष्ठान पूरा ना होने देखो तू। रहने दीजिए नंदराज, मैं ही जाता हूँ। अपना अनुष्ठान गांव के मंदिर में पूरा कर लूंगा। ऐसा मत ही करो महाराज, आप अनुष्ठान पूरा किए बिना चले जाओगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। हाँ महाराज, आप जैसे ब्राह्मण देवता की सेवा हम ना कर पाए तो हम पर कलंक लग जाएगा। आप अपना अनुष्ठान यहीं संपन्न करें, मैं संभालूंगा इसे। मैं ध्यान रखूंगा कि आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न ना पड़े। मैं अभी दूसरी सामग्री लेके आती हूँ। इसे तो मैं रोहिणी जी के यहाँ छोड़ के आती हूँ। जानकी से ना संभलेगो जी। यशोदा वहां भी ना रुके गुजे, इसे मैं अपनंद भैया के यहां लेकर जाता हूं। चल। यहां किसी ने तुम्हारे साथ ना तो कोई अन्याय किया है और ना ही कोई धोखा, केवल व्यापार किया है। स्मरण करो क्या प्रण लिया था तुम सबने, क्या उसमें किसी धनराशि का उल्लेख था? नहीं था। इसलिए आप उस प्रण के अनुसार तुम बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी और माखन, अपना सब कुछ मुझे दोगे। महाराज ऐसा अत्याचार। महाराज हम पे कृपा कीजिए। महाराज, महाराज हमारे पास ये दूध माखन ही है। महाराज हमें उचित मूल्य दिलवा दो, ना तो मेरी पत्नी मुझे घर में प्रवेश ना करने देगी। महाराज महाराज हमारे जीवन यापन को केवल एक ये ही साधन है। महाराज
महाराज तनिक दया करो हम पर, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। हमारे पास जीवन यापन का केवल यही एक साधन है महाराज, तनिक दया करो हम पे, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा अत्याचार करके आपको क्या मिलेगा महाराज? उपनंद भैया, नंद मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या बात है, कान्हा भी आयो है? आओ अंदर आओ, आओ नंद आओ। क्या बात है नंद, सब ठीक तो है ना? भैया ये है ना आपका कान्हा, ये अपने बाबा का नाम डुबो के माने को। तू यहीं बैठ, यहां से हिलेगो ना तू। अरे बड़ा नटखट हो गए भैया। अच्छा आप ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप मिलने आ रहे थे, कछु विशेष बात थी? जो गांव वाले मथुरा गए थे उनसे कछु खबर मिली? ना ना, जो लोग गांव से गए मथुरा उनमें से अभी तक किसी के आने की कोई सूचना ना है। तो आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे? चिंता की बात तो है ही ना आनंद, सूचना मिली है कि आसपास के गांव में सूखा पड़ गया है। ग्वाले अपनी गैयन को चराने दूर वनों में लेकर जाया करते थे, और अब तो वहां पर भी सूखा पड़ना आरंभ हो गया है। हे नारायण, तो हमारे गोकुल की क्या स्थिति है भैया? गोकुल और गांव के आसपास की जो स्थिति है उसको सोचकर ही तो मैं चिंतित हूं। शीघ्र ही उसका असर हमारे गोकुल पर भी दिखने लगेगा। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। ये महाराज भी ना बिल्कुल गोपियों की तरह ही है, पहले स्वयं बुलाते हैं फिर पलट जाते हैं। मैंने कब बुलायो? जाने कहा होगो है, दो दिन से कान्हा दिखो ही ना है। हाँ किसी के घर भी ना आयो, माखन भी चोरी ना की। अस्वस्थ तो ना होगो, कहीं चोट लग गई हो तो? हमें चल को देखना चाहिए। अरे माखन चोरी के आरोप के बाद यशोदा हमें मिलने भी देगी क्या कान्हा से? किंतु मौसी हमें प्रयास तो करना चाहिए ना। हाँ जानकी को नंद भवन में प्रवेश मिल गो है, और कोई बड़े महर्षि भी आए हैं, पूजा चल रही है मंदिर में। तुझे तो सब पता है, छुप कर देख रही थी क्या? नाना मैं तो बस वहाँ से आ रही थी तो दृष्टि पड़ गई मेरी। चाहे जो कुछ भी हो पर सोचना उपयोगी है, क्या पता इसी बहाने हम सबको प्रवेश मिल जाए। चल कान्हा, जी कहाँ गए हो? अरे जी अभी तो यही दो। कान्हा कान्हा कान्हा, क्षमा कीजिएगा नारायण, आज बार बार अनुष्ठान में विघ्न आ रहा है, परंतु आप तो जानते हैं मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति पूरी तरह से सच्ची है, शुद्ध है, इसीलिए कृपा कीजिए प्रभु, पधारिए। और भोग ग्रहण करके इस भक्त को कृतार्थ कीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मैं भी मान सकूं आपसे मिलना उतना ही सरल है जितना उस बालक ने कहा था। आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं प्रभु, इस भक्त की भी विनती सुन लीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। इसी विश्वास और समर्पण की ही तो देरी थी महर्षि। Krishna, 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 Krish
कान्हा। आपके इस परम सत्य को मैं कैसे भूल गया हूं प्रभु? अरे तुम फिर आ गए? अब आप पिता प्रेम और भक्ति से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ना। एक ही बात को कितनी बार समझाऊं? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने अपने प्रभु श्री प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो याद मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आपने सत्य कहा था प्रभु, आपसे मिलना बहुत सरल है, पर मैं अबोध समझ ही नहीं पाया। आपको अबोध कहता रहा, आप सामने थे और मैं पहचान ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी भूल को क्षमा कीजिए प्रभु। आपकी पूजा करने के लिए आपको बुला रहा था और आप ही को भोग खाने से मना कर रहा था। तो अब तो खिला दो ना महाराज, श्री नारायण की इच्छा से। जाने दो ना, महाराज बुला रहे हैं। भीतर तो बिल्कुल ना जाने दूंगी मैं, रुक। तुझे बता, बाबा ने तुझे आने कैसे दियो? सच्ची मैया, महाराज ने बुलायो है मुझे। मैंने तो ना सुनो है। अब जे मती कहियो कि महाराज ने नारायण को बुलाओ है और बालक नारायण का स्वरूप होते हैं। मैंने ही बुलाया था पुत्री। महाराज, महाराज अब आप मेरा सत्य जानते हैं, पर कृपया मैया को पता ना चलने दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए वो ही बना रहूँ जो हूँ, उनका सामान्य सा लल्ला, ताकि इनकी क्लेम की अमृत वर्षा मुझ पर सदैव बरसती रहे। महाराज जे सदैव ऐसे ना करते है, आज ना जाने ऐसे क्या होगा है? जे सैतानी ना थी यशोदा, जे तो प्रभु की लीला थी। महाराज आप अनुष्ठान पूरा करो, अब मैं इसे और विघ्न ना डालने दूंगी। नहीं पुत्री, ये विघ्न डालने नहीं, अनुष्ठान पूरा कराने के लिए आया है। मैं आपका सत्य किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है, मैं धन्य हो गया। जे आप क्या कर रहे हो महाराज, श्री नारायण का भोग आप लल्ला को क्यों खिला रहे हो? मैं सदैव कहता हूं कि जो होता है श्री नारायण की इच्छा से होता है, और मैं
नारायण की इच्छा को ही नकार रहा था। महाराज कहीं भूल से मेरा भेद ना खोल दे। थोड़ा समय लगा परंतु मैं समझ गया पुत्री, बालक ही श्री नारायण के रूप होते हैं। मैया देखा मैंने गाई थी ना, आज कान्हा ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई स्वयं को श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दे तो श्री नारायण बहुत सरलता से उसे मिल जाते हैं। कभी कभी एक छोटे बालक के रूप में सामने आ जाते हैं। नारायण को पाने के लिए किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी पवित्र जल में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। इन्हें पाने के लिए चाहिए तो केवल सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूं। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता हूं यदि गोकुल राज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो। बलिहारी जाऊं मैं? हाँ। ऐसे ही मुनमुन के देख तो रहता ना। कान्हा मार्ग पे चलते समय पीछे ना देखा जातो है, सीधा देख, वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधा आरोप लगाती है। चल सीधा, एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा चित बस तो है जशोदा तेरे लल्ला में, क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी। वो माखन चोर तो पहले ही था, अब चित चोर भी बन गयो। नाना भाभी जो ये बोलना चाह रही थी कि कान्हा बिल्कुल आप पर गयो है, जैसे ही चित को मोह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना, वैसे ही उसकी भी है। हाँ हाँ, जैसे गहरी सुंदर सुंदर आँखें आपकी है वैसे ही उसकी भी है। कस्तूरी सावित्री, अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती। और जे माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है। तो क्या आप मिलने दोगी हमें काना से? पहले ही कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक उपाय है। हाँ? भाभी चाची हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं, कान्हा कभी ना कभी तो आवेगो ही। हाँ? मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता, पहले आरोप लगाती है फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती है। इन्हें लगतो है जसोदा भोली है, मान जाएगी। इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं। पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है। सुन रही है तू भी तो उनमें से ही है। भाभी मैं कल फिर से आ जाऊं ना? आना तो पड़ेगा, एक दिन में नन्नत पूरा थोड़ी हो जाएगा। सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगा। Thank you.
आप सब यहाँ क्यों बैठी हो? अब तेरी तरह हर कोई चापलूसी तो ना करता है, पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए। अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी ना कभी तो कान्हा बाहर आएगो और हम सब उससे मिल पाएंगे। मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता ना है भाभी। नंद भवन में भले ही प्रवेश मिल गया है मुझे, पर ना तो मैं कान्हा से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ। पर अब मैं कहीं ना जाऊंगी उससे मिले बिना, आप सबके साथ यही बैठूंगी। नंदराज, कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो। भानु, बजरंगी, क्या हुआ? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्या वो मथुरा में कछु गड़बड़ हुई है का? चिंता मत ही करो आप लोग, जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप सब लोग थके हुए हैं, तनिक विश्राम कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो आओ। मुझे ही कछु करना पड़ेगा। मैया, मैं खेलने जाऊं? बोलो ना मैया, मैं जाऊं? ना लल्ला, अभी ठीक आई ना, जैसुब संकेत ना है। गड़बड़ तो हो चुकी है मैया। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। लीजिए, पीजिए। भानु, थक गए होगे, जल पी लो। बजरंगी, लो। अरे तन की आवश्यकता का तो ध्यान रखना होगा ना, लो। आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं? हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? हम इसी योग्य ना है नंदराज, हम इसी योग्य ना है। हाँ नंदराज, हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो आप लोग? हमने आपकी बात ना सुनी नंदराज, आपने कहा था, मना किया था आपने, पर अधिक धन के लोभ में हमने ही उस दुष्ट राक्षस को अपना वचन दे दियो। और मथुरा जाके पता चलो कि ये सारा षड्यंत्र उस व्यापारी का ना था, उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने पे ये सब किया। आपने तो सीखो है मैया, पर स्थिति कैसी भी हो चिंतित होना समाधान ना हो तो, पर समाधान तो चिंतन करने से मिलता है ना। तो मैं जाऊं? अच्छा बता, कछु गड़बड़ हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? श्री नारायण। तो तीन बार उनका ध्यान कर ले लल्ला। वाह मैया, मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो? क्या सोच रहे हो कर? नारायण 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 नारायण। बस बस, अब मैं जाऊं? जा। इसका अर्थ है कि जे कोई साधारण छल ना था, जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फंसाने की। इसका अर्थ जे है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो। कारण को तो पतो ना है, पर कंस ने हम सबको मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है। प्रस्ताव? कैसो प्रस्ताव भानु, बताओ।
भानु, यदि तुम ना बताओगे तो मैं सहायता कैसे करूंगा? उसने कहा है कि वो हमारे निशुल्क व्यापार की व्यवस्था को समाप्त कर देगो। यदि विनती करने के लिए आप उसके दरबार में जाओ तो वो भी क्या? वो भी कानू को साथ लेके। ठीक और अब जे कछु गड़बड़ तो अवश्य। अब सब लोग जाइए, विश्राम कीजिए। मैं देखता हूं क्या करना है। भैया, मैंने इन सबसे कह तो दी कि मैं देखता हूं क्या करना, पर मैं क्या करूं? एक और मेरी प्रजा है, दूसरी और मेरा लल्ला। मैं लल्ला को कैसे लेकर जाऊं मैं उस अत्याचारी कंस के पास, जिसने रानी देवी के ऊपर इतने अत्याचार किए, जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा? वो तो अत्याचारी नहीं नंद, राक्षस है, राक्षस। और ऐसे राक्षस के पास अपने काना को ले जाना तो दूर, हम उसकी परछाई तक अपने काना पर नहीं पड़ने देंगे। और हमारे पास उपाय ही क्या है भैया? गोपियों ने कितने सपने संजोए होंगे अपने सुनहरे भविष्य के लिए, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो क्या बीतेगी उनके हृदय पर? आज भानु मथुरा से धन लेके लौटेगो तो मैं सीधा हाट जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार लूंगी। कछु लाभ ना होगो। मैं भी कान्हा के लिए लूंगी एक विशेष उपहार, और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूंगी, ताकि कान्हा लोभ में आके बार बार मेरे घर आवेगो। दो दिन से वो किसी के घर ना आयो है, तेरे घर आएगा दोबारा? जब देखो तब कोई ना कोई प्रश्न करते रहते है हमसे, पर इस बार दिखेगो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा उसे। आगो। अब जे क्या है? जे क्या कर रहे हो है? पर जे हमें अपना मुंह क्यों ना दिखा रहे है? हाँ जे, सब का आया। पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुंह छुपा रहो है। लज्जा उससे आए जिससे चोरी कियो। मैं क्यों लजाने लगू भला? अच्छा तो जे बता लल्ला कि ए सलोनो से मुंह क्यों छुपा रखो तूने? ताकि आप सब मेरी झलक भी ना देख पाओ। अच्छा, साहस है तो आंखों में आंखें डालकर बात कर। मैं यशोमती मैया का लल्ला हूँ। सास कूट कूट के भरो है मुझ में। पूछो क्या पूछनो है। पहले तो जे बता, आज किसके घर जाएगो तू चोरी करने? चोरी और मैं? आदिक भोला मत बन, जे सब कौतुक जसोदा जी के पास चलेगो, यहाँ ना चलेगो। बस इतना बता दे कान्हा, आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गो है तू? बछड़ों को उनका अधिकार दिलानो अनुचित थोड़ी है। दूध दही माखन पे पहला अधिकार मालिक को कोई होतो है।
इसलिए भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। ये सुधा भाभी अब क्यों भयभीत हो गो? भयभीत क्या हुआ? मैं तो बस जा रहा था। अच्छा मान लियो कि भयभीत ना हो रो है, अब जे बता कि हमारे घर क्यों ना आ रो है? हमने यशोदा भाभी से तेरी बात बता दी इसलिए क्रोधित है क्या? मैं मटकी ऊपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो। मेरे यहाँ का माखन अच्छा ना लगो क्या? किसी के यहाँ माखन बच्चों ही का है, जो आऊं सारा का सारा तो दे दियो उस व्यापारी को। अब भूल की है तो फल मिलेगा ही ना। वाल्ला, चोरी तू करे और भूल हमारी। ना ना, अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। हम कहाँ बुरा मान रहे हैं और चिंता भी ना कर रहे हैं। जब यहाँ आवास हो जाए वहाँ भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। सही है लल्ला, एक तो माखन चुरा तो है ऊपर से ज्ञान भी देतो है। मैं तो बस वो ही बता रहा था चाची जो मैया ने सिखायो है। क्या और क्या क्या सिखायो तेरी मैया ने? यही कि परिस्थिति कैसी भी हो चिंतित होना समाधान ना हो तो। समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। अरे अरे अरे, 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 अरे। जे माखन छोड़ दो हमें ही उपदेश देके भागो। वो देखो ये सब लोग इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी बहु तक ये बात पहुंचने में अधिक समय न लगेगा और नारायणी जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या बीतेगी। कहीं वो फिर से खड़े निर्णय न ले ले। बड़ा निर्णय तो आज मुझे लेना होगा भैया। मुझे जय निर्धारित करना होगा कि यशोदा को कंस के बारे में क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। और मुझे ये भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। बाबा होने का दायित्व निभाकर अपने लल्ला की रक्षा करूं या राजा होने का कर्तव्य निभाकर अपनी प्रजा के हित को अधिक महत्व दो। नारायण ही जाने के इस दुविधा का हल कैसे निकले हो? अब तो वो ही बचा सकते हैं भैया। तो बिल्कुल लड्डू जैसा है। और ये गुड़ की डली खाऊं कि ना खाऊं?
भू देवी का प्रसाद ही तो है, थोड़ी सी खाई ली तो। ये तुमने क्या किया काना? मिट्टी खाई ना तुमने? मिट्टी? तू तो मिट्टी को ही माखन समेत के खाओगे काना? इतनी भूख लगी थी तो किसी के यहाँ जाके माखन खा लेता। बलराम ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे। चल छोटी माँ के पास। दाऊ हम तो एक दूसरे के साथ ही है ना? ना इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। छोटी माँ को वचन दिया था ना मैंने कि यदि तूने फिर से मिट्टी खाई तो मैं आवाज से बताऊंगा। बलराम कान्हा की चुगली करेगा तू? हमारी अख्तियार टूट जाएगी। बस कोई बीच में नहीं बोलेगा। हमें नंद भवन जाके नंदराज और जशोदा से अपनी भूल की माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और जाके कछु कहे मुझे स्वयं ही यशोदा को सब कुछ बताना होगा। छोटी माँ, छोटी माँ। बलराम क्या होगा नंदा? सब ठीक तो है ना? छोटी माँ वो क्या होगा नंदा बता? छोटी माँ आपने कहा था ना कि ये यदि मिट्टी खाए तो मैं आपको बताऊं। कान्हा जे मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मिट्टी खाई? मैया मिट्टी के बारे में पूछ रही है पर मैंने तो भू देवी का शुद्ध प्रसाद खाया है। मैं कछु पूछ रही हूँ लल्ला, उत्तर दे। तूने मिट्टी खाई है कि ना? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं देखा है छोटी माँ कि अकेले बैठकर मिट्टी खा रहा था। आप सबसे पूछिए, इन्होंने भी देखा था। वाह सुख के सखाओं ने दुख काटे ही साथ छोड़ दियो। मुझे तुझसे सच सुनना है कान्हा, बता तूने मिट्टी खाई है कि ना? झूठ बोल रहे है, सच्ची सच्ची बता खाई है? ना भैया मैंने मिट्टी ना खाई। इधर आ। तो फिर मुंह खोल के दिखा दे अपनी मैया को। क्यों अब क्या होगा? तूने मिट्टी तो ना खाई तो दिखा दे कि जैसा बस सत्य बोल रहे हैं। कान्हा मुंह खोल। मुंह खोल लल्ला, मुंह खोल के दिखा। दिखा मैया को। आ
हे नारायण, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, पर इसका अर्थ क्या है? नारायण की इच्छा क्या है? क्यों दिखाया उन्होंने मुझे ये सब? क्या बताना चाहते हैं मुझे वो ये सब? कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। लगता है मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कान्हा के पास जाके ही मिलेगा। कितना भी सतर्क हो जाऊं, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। पिछले बार तो बाबा ने संभाल लिया था, अब मैया क्या करेगी? छोटी माँ, कान्हा क्या हो गया इधर? मैया, उठ जाओ ना मैया। मैया, कान्हा, कान्हा, नन्ना, मैया क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हो? कान्हा मुंह खोल के दिखा, दिखा मैया को। तो मस मिट्टी है, तो जो मैंने देखा वो क्या था? स्वप्न था मेरा या कोई भ्रम हुआ था? हाँ लल्ला, इससे पहले कि मैया मेरे सत्य समझ जाए, मुझे स्थिति को संभालना होगा। मुझे क्षमा कर दो मैया, आपको दुखी करो मैंने, पर मैं सच्ची कह रहा था, मैं मिट्टी ना खाई, बस भू देवी का प्रसाद ही खाया था। आप कहोगे तो आगे से ना खाऊंगा, सच्ची। बस बस लल्ला बस, इसमें विशेष शक्ति ना हो सकती। ये तो इतना भोला है कि मिट्टी को भू देवी का प्रसाद समझ के खा गया। मुझे क्षमा कर दो मैया। ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ, क्या मैं पावली हो गई हूँ? ना ना, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ, फिर क्या कारण हो सकता है इसका? अरे प्रसाद का समय हो गया है और मैंने अभी तक कुछ बनाओ भी ना है, आज फिर से गुड़ ही चढ़ाना पड़ेगा। मैं आए दिन भोग में गुड़ चढ़ा रही हूँ, अवश्य इसीलिए मिट्टी को गुड़ का प्रसाद समझकर खा गो मेरा कान्हा।
मैं समझ गई लल्ला, वो अकेले बैठ के मिट्टी क्यों खा रहा था। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, अपनी ममता में लल्ला की आवश्यकता को सबसे अधिक महत्व दे रही थी मैं, इसी कारण से आपकी भक्ति में भूल चूक हो गई। पर आप तो साक्षी हो, मेरे मन के भीतर आपकी श्रद्धा और भक्ति में कछु कमी ना है। पर हाँ, कर्म कांड और विधि विधान में ऊंच नीच है तो अनुचित ही, पर आज जो मैंने देखो है ना, उसने मुझे मेरी भूल का आभास करा दियो है नारायण। मैया, चुपचाप हाथ जोड़ करके पूजा कर। सर क्या देख रहे हैं ना? ताकि नारायण तुझे सद्बुद्धि दे। इस सृष्टि में जो भी होता है ना लल्ला, सब इन्हीं की इच्छा से होता है, और हम बार बार अपनी अज्ञानता के कारण इनके विधान पर प्रश्न उठाने लगते हैं। हम ये भी ना सोचते कि प्रभु की लीला पर संदेह करने का अधिकार ना है हमें। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही समय पर नारायण सही मार्ग दिखा ही देते हैं, जैसे आज उन्होंने मुझे दिखाओ है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी नारायण। पति, संतान, परिवार सब महत्वपूर्ण होते हैं, पर आपकी भक्ति भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। अब से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी मैं, सच्ची निष्ठा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी, भोग अनुष्ठान और सेवा करूंगी। वैसे नारायण, सच्ची बात तो ये है कि सब इसी के कारण हो रहा है। इसके कारण आजकल मुझे समय ना मिलता है। मैया, मेरी सेवा ही तो नारायण की सेवा है। मुस्कुरा क्यों रहे रे? हाथ जोड़ प्रार्थना कर कि नारायण तुझे भी सही समय पर सही मार्ग दिखाए, ताकि तुझे मिट्टी वाली भूल दोबारा ना दोहराए। हाथ जोड़। आपको मुझे भी सही मार्ग दिखाना होगा प्रभु। एक ओर मेरी प्रजा है तो दूसरी ओर मेरा लल्ला, मैं किसका हित साधूं? किसी एक का त्याग कैसे कर दूं मैं? मैया, प्रसाद दो ना। क्यों, मिट्टी ना खानी? नहीं लल्ला, आज के बाद मिट्टी को गुड़ समझने की भूल मत करियो। समझ आई? जा विश्राम कर। मुझे ना आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरे साथ आओ, चलो, बहुत आवश्यक बात करनी है। बैठो, बैठो जी। सुनो जी, आप विश्वास ना करोगे आज मेरे साथ क्या हुआ है, पर पहले ये बताओ, आप मेरा उपहास ना उड़ाओगे ना पिछली बार के जैसे? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। आप ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची में देखो है? और इतना ही ना, मैंने तो जे भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। ये तो इसी बात का संकेत है यशोदा, के आज गोकुल वासियों को नारायण के आशीर्वाद और सहायता की आवश्यकता है। इसका क्या अर्थ है?
और आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? उस व्यापारी ने हमारे गोकुलवासियों के साथ छल किए हैं यशोदा। जानबूझकर उसने सभी को लोभ के जाल में फंसायो और जे सब उसने किया है किसी और के लिए। किसके लिए बताओ जी, किसके लिए? कंस के लिए, कंस के लिए। उसे कंस नहीं भेजा था। क्या देख रहे हो? तुम इसके योग्य हो परमानंद। अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और कुशलता से तुमने इसे अर्जित किया है। महाराज की जय हो। महारानी प्राप्ति महारानी अस्ति। हमें तो लगता है कि परमानंद को हमारे मंत्रिमंडल में होना चाहिए। परमानंद, जिस प्रकार तुमने गोकुलवासियों को अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंसा दिया, अद्भुत था वो, अद्भुत। आप बस आज्ञा दीजिए महाराज, ये सेवक पालन करेगा। आज गोकुल आपके चरणों के नीचे आ गया है। कुछ ही समय में पूरा संसार आपके पैरों तले होगा। आपको सच में लगता है महाराज कि गोकुलवासी अपने वचन का पालन करेंगे और जीवन भर अपना दूध दही घी और माखन हमें निशुल्क देते रहेंगे? बोले हैं वो भक्त हैं और यही उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है और यही दुर्बलता उन्हें विवश कर देगी। और उससे भी आनंद की बात है ये कि उनका राजा आनंद अपनी प्रजा को जीवन भर कष्ट सहते देख नहीं पाएगा और दौड़ता हुआ भागता हुआ यहां आएगा मेरे चरणों में अपने उस पुत्र के साथ। पर वो तो महाराजा है ना, उसे कछु कमी है क्या? फिर हमारे भोले भाले गोकुलवासियों को क्यों फंसा रहे हैं जी? ना ना, बात कछु और है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या चाहता है वो? कहीं बाबा ये ना बता दे कि कंस मामा ने यह सारा छल मुझे मथुरा बुलाने के लिए रचा है। मैया की ममता भय में बदल जाएगी। ऊपर से देखो तो बस दूध दही माखन का छोटा सा छल है, पर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है इसका। आप जानते हो ना क्या है? मुझे ना बताओगे? बताओ बताओ जी। यशोदा वो चाहते तो है कि मैं दरबार में जाऊं और साथ ले जाऊं। साथ ले जाऊं? बाबा क्या कर रहे हो, संभालो। किसे साथ ले जाऊं? गांव वालों की दया की पुकार को, उनकी सहायता की गुहार को। उसने कहलवाई है कि मैं हाथ जोड़कर उसके सामने विनती करूं, तभी वो गांव वालों को निःशुल्क उत्पाद देने की व्यवस्था से मुक्त करेगा। अब मुझे समझ ना आ रहा कि मैं क्या करूं। जब हमें कछु समझ में ना आए ना, तो सारी चिंता श्री नारायण पर छोड़ देनी चाहिए जी। तुम सत्य कह रही हो सुधा, सारी चिंता नारायण पर ही छोड़ देनी चाहिए। वही मार्ग दिखाएंगे जी। सारी गोपियों पर तो बड़ा संकट आ गया जी। अब तो इनका मन भी करेगा तो हिचक के बारे मेरे पास ना आएंगी। बाबा तो पूरी तरह भूल गए हैं प्रभु, ये सच में आप कौन हैं? हाँ मुरली, इस समय मैं उनके लिए केवल उनका लल्ला हूँ।
पर आपके पास उन्हें इस चिंता से मुक्त करने का उपाय है प्रभु, है ना? और मुझे बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना? आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा और राजा होने की दुविधा में मैं भटा जा रहा हूं। मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है, उसे पार लगाइए नारायण, रक्षा कीजिए नारायण। सालिग्राम, यही तो रखा था मैंने, कहाँ गिर गया, कहाँ चला गो? मैंने तो यही रखो था। कान्हा, तू यहां क्या कर रहा है? सालिग्राम देखो तूने। अच्छा तेरे मुंह में क्या है? कान्हा, कहीं तूने सालिग्राम मुंह में तो ना ले लियो? हे नारायण, क्षमा करना अभूत बालक। जी क्या करो कान्हा तूने, बाहर निकाल सालिग्राम। लल्ला जी अनुचित है, यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस। लल्ला ला बाहर निकाल, अच्छो बालक है ना तू, ला। अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो ना ही अपने लल्ला का। लोभ के फंदे में चारों ओर से जकड़ गए थे हम, भविष्य के स्वप्न देखते देखते अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है हमने। यशोदा और नंद भैया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था, और यहाँ तक कि छोटे कान्हा ने भी हमें कितना समझाया, लेकिन हमने उस दुष्ट व्यापारी को अपना सारा वचन दे दियो। मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा कर ही समझाया था उन दोनों ने, कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मूल्य क्यों देगो, पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी। आप ही बताओ रोहिणी जी, अब किस मुंह से क्षमा मांगूंगी मैं जशोदा जी से? क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ना। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पछतावा भी। पर अब तो बहुत देर हो गई है जशोदा जी, अब क्या होगो? जिस सुनहरे भविष्य के लिए हमने उस कपटी व्यापारी के सामने अपने नारायण के नाम का वचन दिया था, उसने वही भविष्य लेके राजा कंस के पाँव के नीचे रख दियो है। संतुष्ट सुखी जीवन जी रहे थे हम, बछड़ों को उनके भाग का दूध मिलता था, हमारे बच्चे जितना चाहे दूध दही माखन खाते थे। अब उनके मुंह का निवाला छीन कर उस दुष्ट कंस को देना पड़ेगा। चिच्ची ना, नारायण की कृपा से तेरी जसोदा जिज्जी के पास गायों की कमी ना है। मैं अपने घर का सारा गौधन पूरे गांव के साथ बांटूंगी, किसी भी बालक के मुंह से निवाला ना छिने को। नारायण की कृपा से गोकुल का एक भी प्राणी वंचित ना रहेगा। हाँ नहीं तो खाना बाबा का कहना मान ले। कान्हा, तुझे नारायण की सौगंध है, वो सालिग्राम मुझे दे दे।
क्या करो लल्ला तूने? ऐसे भी कोई कर तो है क्या लल्ला? मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं। अच्छा पता है तुझे? क्षमा करना प्रभु, क्या कर रहे हो लल्ला? नारायण की मूर्ति कहां गई? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। मैंने तो जे भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। जिनके मुख में त्रिभुवन, जो सारी सृष्टि का संचालन करते, मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था। बाहर भी आप हैं और भीतर भी, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते, वो तो मेरे सामने ही। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चिंता समाधान नहीं बाधा होती है, इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा। मैं तो सदैव ही कहता हूं, मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए, तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है। और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास है, इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूं, सदैव हर परिस्थिति में। मैं आपके साथ ही हूं बाबा। जीवन पर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है, उसका क्या यशोदा? और उस दुष्ट कंस और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन्न की, उसका क्या? समस्या है तो समाधान भी हो गई। मैंने तो कही थी ना मौसी, जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायित्व भगवान नारायण पर छोड़ देना चाहिए। ये देखो, ये आभूषण, मोती, ये स्वर्ण उपहार में देने का सामर्थ्य किसके पास होगा?
कंस महाराज, तुम देख लेना मैं इस घर को महल बना दूंगा, सब झटक लूंगा। कान्हा तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते, बताओ ना कैसे मैं गोकुलवासियों की सहायता करूं, कोई उपाय सुझाओ। तुम्हारी ये रहस्यमय मुस्कान बता रही है कि तुम्हारी लीला पहले से ही आरंभ हो चुकी है ना। अपने कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है बाबा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। तुम सभी चिंता मत ही करो, जो अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा करते है ना, उसके साथ देर सवेर बुरा ही होता है। और जिस हाथ से उस षड्यंत्रकारी ने तुम सबका दूध दही माखन लियो है ना, जल जाएंगे वो हाथ, जल जाएंगे वो। दोनों पिता पुत्र का इसी से स्वागत करूंगा। अचानक गदा में ताप कैसा, मेरे हाथ जल रहे हैं। और वो व्यापारी जो तुम सबके शांत जीवन में भूचाल बन के आओ है, स्वयं शांति से थोड़े ना बैठ पाएगा। अरे उसके जीवन में उस षड्यंत्र से बहुत अधिक भयंकर भूचाल आएगा। स्वामी ये अपने आप कैसे उबलने लगा? घर को महल बनाने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन ये खंडर बन गया। आप जिसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित करके आए, वो कोई महान सम्राट नहीं, दुष्ट है। दुष्ट? उस व्यापारी ने दुष्ट कंस के साथ मिलके भोले भाले गांव वालों का भोजन छीनो है ना, देखना देखना उन दोनों के भोजन में कीड़े पड़ेंगे। हमारा जीवन महाराज कंस का उपहार, आभूषण वाला संदूक। उन दोनों ने मिलकर तुम सबका दूध दही माखन सच्चा धन छीनने का प्रयास करो है ना, अब देखना उन दोनों का धन उनके आभूषण सब लोहे के बन जाएंगे, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब। ऐसा ही होगा मैया। मेरे ग्राहक। लेकिन स्वामी ये इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं? विष्णु, विष्णु ने किया है ये सब। कंस ने जो किया है उसका दंड वो अवश्य भोगेगा।
उसका दंड वो अवश्य भोगेगा, दंड वो अवश्य भोगेगा। किसने कहा ये? किसने कहा ये? किसने कहा? मैंने पूछा किसने कहा ये? तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, विष्णु अवतार। क्या चाहता है तू? तुम्हारे युद्ध मुच्छेदा कर्ण और मेरे भोले भाले भक्तों को अपने जाल में फंसा कर तुमने सारी सीमाएं पार कर दी। अब जब तक तुम गोकुल के ग्वालों को अनुचित व्यापार के अत्याचार से मुक्त नहीं कर देते, तुम्हारा और अन्य सभी षड्यंत्रकारियों का सामर्थ्य, वैभव, बल सब कुछ नष्ट होता चले जाएगा और तब तक अपने पूर्व रूप में वापिस नहीं आएगा जब तक तुम उन निर्दोषों को जीवन यापन का अधिकार लौटा नहीं देते। महाराज, दूध दही माखन सब कुछ पूरी तरह से सड़ गया है। महाराज, सारा अनाज, फल और सब्जियां सब नष्ट हो चुकी है। महाराज, महाराज, महल का सारा पेयजल दूषित हो चुका है। छल है ये! ओ विष्णु अवतार, हमें अपने माया जाल में फंसा रहा है। ऐसी सड़ी हुई मिठाइयां मैंने आज तक नहीं खाई हैं। खोए की नहीं, पत्थर की बनी है ये, उससे भी कड़ी है तुम्हारी ये मिठाइयां। आज के बाद कभी मिठाई नहीं लेंगे। जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बुराई होता है और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छाई मिलती है। आप अपना कर्म कीजिए बाबा, आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। और हाँ बाबा, शीघ्र ही आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। स्मरण रखिएगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बाबा, मैया आ रही है, क्या करूं? कछु सुझाव दो ना बाबा, जिससे मैया मुझे ऐसे नहीं देख पाए। सुनो जी, आपने पुकार लगाई थी क्या? तुम मुस्कुरा क्यों रहे? और आप भी बदले बदले से दिख रहे हो। पूजा करके तनिक शांति मिली ना? शांति ही ना यशोदा, प्रभु नारायण ने मुझे समस्या को समाधान भी दे दियो। मैं बस अपना कर्म करूं, कल कंस से मिलने मथुरा जाऊंगा। उस दुष्ट अत्याचारी से मिलने जाओगे आप? ना ना, मैं आपको उससे मिलने ना दूंगी। देखो ना आपने कैसे हमारे गांव वालों को फंसाओ है उसने, अवश्य ही आपको भी उसी उद्देश्य से बुला रहे है। आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? उस दिन पहले ही तो मैया सभी को मुझ पर अर्थात श्री नारायण पर विश्वास करने की सीख देकर आई है। अब देखो सेम चिंता करी है ये। चिंता मत ही करो यशोदा, मुझे श्री नारायण किसी भी जाल में ना फंसने देंगे। वो तो यही है हमारे साथ। यही है, इसका क्या अर्थ है जी? तुमने कही थी ना कि तुमने उन्हें हर जगह देखो, हमारे घर में, गोकुल में, तो इसीलिए तुम चिंता ना करो, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। कल भोर होते ही मैं मथुरा निकल जाऊंगा, पता तो चले वो हमसे चाहतो क्या है। नंदराज ने निर्णय लियो है कि वो इस बार कंस से मिलने अकेले जाने वाले हैं। पहले ही वो गांव वालों से सारा दूध दही माखन हड़प चुको है, अब आप और मटकियां क्यों ले जा रहे हो उस दुष्ट के लिए? यशोदा, वो दुष्ट है, अत्याचारी, पर है तो हमारे महाराज ही ना, वैसे खाली हाथ थोड़ी ना जा सकते।
तुम अपना ध्यान रखना। सुनो जी, मुझे पतो है कि मुझे श्री नारायण पे विश्वास रखना चाहिए, बल्कि मैं भी तो यही समझा रही थी इन गोपियों को, पर पता ना क्यों मुझे लग रहा है इसके पीछे उसका कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ना तो आपको अकेले क्यों बुलाता वो? मैं जानता हूं यशोदा, उसने मुझे क्यों बुलाया, पर मैं तुम्हें ना बता सकता। मैं ना चाहता हूं कि तुम चिंता करो। राजा होने के नाते यदि मेरे कुछ करने से मेरी प्रजा का हित होता है तो मुझे वो करना पड़ेगा यशोदा, फिर चाहे वो मुझे कितना ही अप्रिय क्यों ना लगे। हे नारायण, मेरी दुविधा दूर करो, कुछ ऐसा करो कि इन्हें जाना ही ना पड़े उस दुष्ट के सामने। जी इतनी सुबह कौन हो सकता है? मैं देख तो। पूर्णा मासी आप? यशोदा? पूर्णा मासी? इतने दिनों बाद? क्या होगा मासी? सब कुछ कुशल तो है? मैं तो बस इतना जानती हूँ नंदराज, ये लोग आपसे मिलना चाहते थे। कौन? इतनी सुबह आप सब यहां, क्या होगो? हमारे भोले भाले गोकुल वासियों को फंसाने के बाद यहाँ आने का साहस कैसे करो तूने? यशोदा, पूछो जी, पूछो इससे क्या करो यहाँ। इनकी जे दशा आप सबने तो ना की? नहीं नहीं, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारा बस चलता तो इससे भी बुरी दशा करते। ये सब तो मेरी करनी का फल है नंदराज। इसे इसके किए का दंड मिल गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए नंद महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन सब गांव वालों को फंसाने का षड्यंत्र महाराज कंस के कहने पे किया था, वही मेरी भूल थी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। बहुत शीघ्र बुद्धि आ गई तुम्हें। मैंने आप सबको लोभ के जाल में फंसाने का प्रयास किया। सच तो ये कि मैं स्वयं लोभ में ग्रस्त था। सब कुछ अधिक से अधिक धन के लिए किया था मैंने। सब कुछ खो दिया, मेरा भोजन सड़ गया, मेरी मिठाई में कीड़े मकोड़े पड़ गए, मेरे स्वर्ण आभूषण मोती सब कंकड़ पत्थर बन गए। अवश्य इसका कोई नया छल है जे? नहीं 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 नहीं, मेरा कोई छल नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने कही थी ना, श्री नारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दुष्ट और अत्याचारी का दूत बन के आया था ना, जे तो होना ही था। स्वयं श्री नारायण ने न्याय करो है हमारे साथ।
बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो कर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन आपके श्री नारायण ने मुझे इसी जन्म मेरे कर्मों का फल दे दिया, कर्मों का दंड दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण, बहुत कृपा की हुआ आपने, पर इसका अर्थ ये ना है कि हम सब ने आपको क्षमा कर दियो है। मैं यहाँ क्षमा के लिए नहीं आया हूँ नंदरा। तो फिर किस लिए आए हैं? मैं तो इन भोले भाले गोप गोपियों को इनकी शपथ से मुक्त कराने आया हूँ। पर इन सब ने वो शपथ अपनी इच्छा से ली थी, आप उसे कैसे मुक्त करा सकते? और एक शपथ दिलवाकर। आप लोगों ने भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर यह शपथ ली थी कि आपका सारा दही दूध घी माखन आप केवल मुझे और मुझे ही देंगे। आज उसी भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर मैं आपको शपथ दिलवाता हूं कि आपका सारा दही दूध घी माखन उसमें से एक कण भी आप मुझे नहीं देंगे। प्रतीक्षा क्या कर रहे हो आप सब? शपथ लो। हाँ यशोदा जी आपने सही कही थी, हम बस श्री नारायण पर विश्वास रखें तो सारे कार्य सच जाते हैं। मुझे आशा है कि व्यापारी जी की तरह आप सबको भी अपनी शिक्षा मिल गई होगी। हाँ नंदराज, अब हमें अपनी भूल से सीख मिल गई है, अब हम कभी भी किसी के लोभ के जल में ना फंसेंगे। जब मियां आवाज हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हाँ हाँ, इस घटना से मुझे भी सीख मिल गई है। मैं भी जो शपथ लेती हूँ कि आज के बाद सारा का सारा दूध दही माखन इस पर सबसे पहला अधिकार गाय के बछड़ों पर ही होगा। सीख समझ सभी ने जैसे ही ली शपथ कि अब लोभ करेंगे ना हानि से भी अधिक मिला है माखन बह रहा, देखो कृष्ण लीला, देखो कृष्ण लीला। हाँ, और हम दोनों भी श्री नारायण की शपथ लेते हैं, दूध दही माखन बेचने के लिए हम बाद में बचाएंगे और पहले अपने बालकों को पेट भर के खिलाएंगे। मैया दादी शीघ्र चलो, जो माखन प्रसाद की मटकी आप मंदिर से चढ़ा के लाई थी वो पूरी भर गई है और माखन निकल निकल के भरो है। इसीलिए बड़बोलो कहलाते है तू, फिर कहने लोगों कथा कहानी। मैया अपने घर पे भी ऐसा ही हो रहा है। यशोदा वो देख तुम्हारी माखन की मटकियां। मैंने कहा था ना आप सभी पर श्री नारायण की विशेष कृपा है। जैसे ही आप सबने अपनी भूल स्वीकार कर ली भगवान ने आपके माखन की सारी हानि पूरी कर दी। चलो ना।
कौन से कान्हा पे विश्वास करूं मैं, उस सियाने पे जो कुछ ही समय पहले अपनी लीला दिखा रहा था, या उस निर्दोष पे जो आसपास की हर घटना से अनभिज्ञ बैठो है। क्या इसका अर्थ ये है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पुण्य लाभ होता है, और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी हानि होती है, हम पराजित हो जाते हैं। प्राप्ति। मैंने कहा था ना, ये सारी माया उस विष्णु अवतार की है। अरे वो तो इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि अपनी ही माया का प्रयोग पर्याप्त समय तक कर पाए और मुझे पराजय स्वीकार करने पर विवश कर पाए। किंतु तुम्हारे मुख की भावभंगिमा तो कुछ और ही कथा कह रही है। क्यों, सत्य कहा ना मैंने? महाराज, सब कुछ पहले जैसा इसलिए हो गया क्योंकि क्या? ये उस विष्णु की माया थी और क्या। हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था। हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था ताकि वो गोकुलवासियों को अपने साथ व्यापार करने के वचन से मुक्त कर सके। मेरी आज्ञा लिए बिना, मुझे बिना बताए मेरे लिए हुए निर्णय को पलटने का साहस भी कैसे कर लिया तुमने? हमने आपकी ही विचारधारा का अनुसरण किया है महाराज। आप ही कहते हैं ना, जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, और जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। भूख और प्यास से आप तो दुर्बल हो ही जाते महाराज, पर आपकी सेना और सेवक अपने प्राण बचाने के लिए आपसे दूर हो जाते। आपके और उस विष्णु अवतार के बीच 4 वर्षों से चलते आ रहे इस संघर्ष में एक छोटी सी झड़प है महाराज, और यदि हम ये झड़प हार जाते तो शेष युद्ध करने के योग्य भी नहीं बच पाते। जब आप पूरी तरह से अकेले शारीरिक रूप से दुर्बल और असहाय होते, और तब वो विष्णु अवतार वो बालक आप पे प्रहार करता, तब आप क्या करते महाराज? आत्मरक्षा आवश्यक थी महाराज, क्योंकि शत्रु पर उसके वार से भी अधिक घातक प्रहार करने की योजना तभी बनाई जा सकती है जब तन और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो। सच्ची बताओ, जैसा आप ही ने क्यों है ना? आप बहुत दूर से आई हो ना, भूख लगी होगी, मैं माखन लाऊं? आज पूरे गोकुल में माखन भरो है। इसके पीछे आप ही की लीला है ना? मैं अभी माखन लाता हूँ। ये लीजिए। बताओ ना,
पूरे गांव में प्रसन्नता की बयार बह रही है। हर ग्रामवासी के मुख पर हर्ष और उल्लास दमक रहा है। ये सब आप ही का चमत्कार है ना? प्रभु, ये महिमा आप ही की है ना नारायण? ठहरो, मैं आपके हाथों से खिलाऊंगा आपको। बताओ ना प्रभु, आप लालन करवाने आए हो या सबका पालन करने आए हो? बोलो ना प्रभु, बताओ ना। प्रभु, कब दोगे मेरे प्रश्नों का उत्तर?